हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा सक्सेना। और आज बेसिकली हम चर्चा करेंगे संतुलित आहार के बारे में। जी हाँ, संतुलित आहार जिसे हम बेसिकली बैलेंस डाइट भी कहते हैं। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, वाटर, सभी का जो अमाउंट होता है वो प्रॉपर मात्रा में उपस्थित होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो अपना जो डाइट होता है उसका 65% बेसिकली हम प्रतिदिन अपनी डाइट में एज ए कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम अनाज में गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, रागी, इन सभी चीज़ों को इनटेक करते हैं। सेकेंड बेसिस पे जब हम बात करते हैं आपके सामने तो हमारा होता है प्रोटीन। जी हाँ, प्रतिदिन एक मनुष्य को, एक ह्यूमन बीइंग को उसके वेट के अकॉर्डिंग, आइडियल वेट मैन का 65 kg और वुमेन्स का 55 kg होता है, तो उनके लिए पर ग्राम न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग इसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं मिनरल्स के बारे में तो मिनरल्स एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जस्ट लाइक अपना डिशेस के अंदर मसाले। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो हम पर डे की रिक्वायरमेंट, जो हमारी फैट जिसे हम वसा कहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट 20-25% होती है। ओवरऑल बेसिस पे देखते हैं तो संतुलित आहार के अंदर सभी न्यूट्रिएंट का प्रॉपर अमाउंट होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन की प्राप्ति के लिए आप अपनी डाइट के अंदर गेहूँ के साथ साथ दालें हैं, जितनी भी लाल पीली हरी जितनी भी दालें होती हैं, ठीक है, या फिर आपका मांस, मछली, अंडा है, दूध व दूसरे बने भोज्य पदार्थ जैसे कि दूध, दही, छाछ, पनीर, छेना, मावा, आप सभी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। और वसा के लिए जब हम बात करते हैं तो वसा हमारी डाइट के अंदर बेसिकली हम जितनी भी ऑयल जो हमें प्रोवाइड करते हैं या देसी घी हमें प्राप्त हो रहा है, सरसों का तेल, बिनौले का तेल, या फिर अपन बात करते हैं मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, तो सभी के अंदर वसा बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। और लाल पीली हरी जितनी भी सब्जियां होती हैं और जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें बेसिकली हमारा विटामिन्स और मिनरल्स उपस्थित होता है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। थैंक यू सो मच।